गुड इवनिंग धर्मेंद्र। ओके सो आज बहुत टाइम बाद हम लोग वापस मिल रहे हैं क्योंकि हम लोग वेकेशन पे थे। अभी वेकेशन खत्म हो चुके हैं और हम लोग आज से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं सेल बायोलॉजी। सो स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक यानी कि माइक्रोस्कोपी, जहां पर सेल की स्टडी के लिए माइक्रोस्कोपी को हम यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ वीडियोस जो हैं वो पहले से ही चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियोस देखें, क्योंकि माइक्रोस्कोपी के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है और वो बेसिक टर्म्स क्या हैं, जब तक हमें वो नहीं पता होगी तो हम माइक्रोस्कोपी को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो होपफुली जो लोग पहले से क्लासेस ले रहे थे उन्होंने वो वीडियोस जरूर देखे होंगे। तो अभी मैं ये मानते हुए चल रही हूँ कि आपने वो वीडियोस देखे हैं, तो हम लोग आज कंपाउंड माइक्रोस्कोपी को पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लेक्चर के बाद आप जाके वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वहां पर हमने माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड टर्म्स जो कि है रिजॉल्विंग पावर, मैग्निफिकेशन, ये सब क्या होता है उसको अच्छे से डिटेल में देखा है। सो अभी हम माइक्रोस्कोपी स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोपी के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोपी के बारे में आज जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे वो है, इनिशियली हम देखेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, उनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं वो देखेंगे। फिर हम माइक्रोस्कोप के पार्ट्स देखेंगे कि किन किन पार्ट्स से वो मिलकर बना होता है। उसके बाद हम कंपाउंड माइक्रोस्कोपी की वर्किंग देखेंगे और फिर हम ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहाँ कहाँ यूजुअली यूज किया जाता है वो उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो चलिए ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये जो लिंक है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग साथ में स्टडी कर पाए और सबको इसका बेनिफिट मिले। सो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। और ये वीडियो लेक्चर जो है ये आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली माइक्रोस्कोपी पे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर अगर आप ये लेक्चर करके जाएंगे तो हो सकता है कि एक बड़ा क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स में रहता है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जस्ट आपको ये लेक्चर देखना है और कुछ नहीं करना है, अच्छे से आपको सारी चीज समझ में आने वाली है। और नोट्स भी मैं आपको इसके बिल्कुल लिंक में प्रोवाइड करा दूंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो देखिए हम जानते हैं कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं उनके अंदर एक सिंगल लेंस मिलता है, यानी कि जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास की हम बात करें तो एक सिंगल लेंस यहां पर मिलने वाला है, इस तरह से कुछ एक सिंगल लेंस है जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कह सकते हैं। वो चीजों को एनलार्ज करता है, यानी कि आप किसी सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे जब ऑब्जर्व करेंगे तो वो जो सैंपल होगा वो एनलार्ज होके आपको दिखाई देगा। ये तो हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हम बात करते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मोर देन वन लेंसेज होते हैं। देखिए मोर देन वन लेंसेज की जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं। यहां पर इस तरह से एक से ज्यादा लेंसेज मिलने वाले हैं और ये जो लेंसेज होते हैं वो सीरीज में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर कुछ इस तरह से ये दो एक से ज्यादा लेंसेज प्रेजेंट हैं, तो इस तरह का जो माइक्रोस्कोप होगा उसको हमने कहा कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो दो लेंसेज होते हैं वो मेनली कौन कौन से लेंसेज होते हैं वो देखते हैं। तो यहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको दो लेंसेज मिलने वाले हैं, वो है ऑक्यूलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑक्यूलर लेंस क्या होता है, तो जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है आपको, ऑक्यूलर यानी आई, तो वो लेंसेज जो कि आई के नजदीक रहेंगे जब आप माइक्रोस्कोप में किसी सैंपल को ऑब्जर्व करेंगे, तो वो लेंसेज जो कि आपकी आंख के नजदीक रहेगा उसको बोलेंगे ऑक्यूलर लेंस। और ऑक्यूलर लेंस को एक और नाम से भी बोलते हैं, वो होता है आई पीस। अभी दूसरा लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये लेंस भी नाम से क्लियर हो रहा है कि जब हम हमारा सैंपल माइक्रोस्कोप पे रखेंगे तो उसके करीब यानी ऑब्जेक्ट के करीब जो लेंस प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस।
तो यही दो लेंसेज हैं जिनकी वजह से हम जो हमारा सैंपल है उसको एनलार्ज करके देख पाते हैं, उसको मैग्निफाई करके देख पाते हैं। ओके, गुड इवनिंग वृंदा, गुड इवनिंग राघव, गुड इवनिंग अंशुल। ओके, तो अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि आप ये लिंक जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि हम लोग और भी बहुत सारे लोग साथ में मिलके कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी दो लेंसेस की, ऑक्यूलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। अभी आगे देखते हैं कि किस तरह से, किस प्रिंसिपल पे ये जो माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो काम करता है। तो अभी देखिए आप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसका मेन प्रिंसिपल होता है मैग्निफिकेशन एंड, ये देखिए, मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। अभी ये जो दो टर्म्स हैं आपने सुनी हो तो अच्छा है, आपने जो वीडियो लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स हमने जो चैनल पे डाले हैं आपने वो देखे हो तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली ये दो टर्म्स पता होंगी, बट नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैग्निफिकेशन पावर होती है एनलार्ज करने की पावर, यानी कि जूम करने की पावर। आप फोन में कोई इमेज देखते हैं फिर उसको जूम करते हैं, तो जब आप उस इमेज को जूम कर रहे होते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप उस इमेज को मैग्निफाई कर रहे हैं। लेकिन रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर वो पावर होती है, यानी कि कोई दो डॉट्स हैं आपस में, ये कितनी डिस्टेंस पे हैं, या फिर कोई ऐसा माइक्रोस्कोप जो ये बता दे कि ये दो डॉट्स हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप प्रेजेंट है, चाहे वो कितना भी क्लोज हो, पर वो माइक्रोस्कोप, ऐसा माइक्रोस्कोप जो इन दो डॉट्स के बीच में डिस्टेंस बता दे कि यहाँ पर इन दो डॉट्स के बीच में डिस्टेंस है, तो हम बोलेंगे कि ऐसा माइक्रोस्कोप बहुत अच्छी रिजॉल्विंग पावर का माइक्रोस्कोप होता है। ओके, ठीक है, अभी मैग्निफिकेशन को देखते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन के लिए अगर आप डिटेल में मैग्निफिकेशन को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपी वाला वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, चैनल पे आपको अवेलेबल है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होती है। तो जैसा कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में या नॉर्मली मैग्निफिकेशन बोलते हैं कि जब कोई इमेज होती है या किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है तो वो जो इमेज या ऑब्जेक्ट है हमको मैग्निफाई यानी कि जूम होके दिखाई देता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं और हमने कहा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज मिलने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर डबल मैग्निफिकेशन होगा। जो मैग्निफिकेशन होगा वो दो लेंसेज के थ्रू होगा, यानी कि ऑक्यूलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पर दोनों जो लेंसेस हैं वो कलेक्टिवली कंप्लीट मैग्निफिकेशन करने वाले हैं, यानी कि आप अगर सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं कि बेटर तरीके से मैग्निफिकेशन आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो लेंसेस प्रेजेंट हैं जो कि ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई करने वाले हैं। देखिए, अभी यहाँ पर जब मैग्निफिकेशन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के करीब होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट के करीब जो हमने कहा कि यहाँ पर ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस किसी एक पॉइंट पर एक रियल इमेज बनाएगा। यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज बनाएगा, और अब ये जो इमेज होगी ये आगे वाले लेंस के लिए यानी कि ऑक्यूलर लेंस के लिए, फिर से ये ऑक्यूलर लेंस है, ऑक्यूलर लेंस के लिए फिर से ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहां पर ये जो इमेज बनी ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑक्यूलर लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और अभी ये जो ऑब्जेक्ट है अगेन इसका मैग्निफिकेशन होगा, यानी कि अगेन इसकी एक इमेज बनेगी, और वो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो कुछ इस तरह से यहां पर एक वर्चुअल इमेज ऑब्जर्व होने वाली है। एक वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगी,
और वो वर्चुअल इमेज जो होगी वो एनलार्ज होगी या मैग्निफाइड होगी। तो अभी ये जो अगर आपको ये चीज समझ नहीं है ये, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आगे हम इसकी वर्किंग में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि इसमें दो लेंसेज हैं जो कि मैग्निफिकेशन का काम करेंगे और बेटर तरीके से मैग्निफिकेशन मिलेगा। अभी मैग्निफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल्स टू डी अपॉन एफ जीरो इंटू एल अपॉन एफ ई। यहां पर देखिए डी जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन है, यानी कि वो डिस्टेंस जो कि जिसके बाद अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो तो वो ऑब्जेक्ट आपको ब्लर दिखेगा। तो ह्यूमंस के केस में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आप याद रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू नहीं दे रखी होती है, आपको डायरेक्ट ये दे रखा होता है कि ह्यूमन आई के केस में आपको मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है। तो यहां पर 25 सेंटीमीटर जो है ये इसकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन की वैल्यू है ह्यूमन आई के केस में, ठीक है। और यहां पर ये जो एफ जीरो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है। ओके, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग वाजू। बिल्कुल, मुझे भी आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। गुड इवनिंग सोनल, रोहित सर, गुड इवनिंग पीयूष सर, गुड इवनिंग आशु, गुड इवनिंग मनोज सर। सो चलिए, बहुत लोग हो गए हैं, बहुत इंजॉय करने वाले हैं आज हम इस टॉपिक को। तो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने देखा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसके बाद हमने देखा कि एफ जीरो जो है वो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की। उसके बाद देखिए एल क्या है, जो माइक्रोस्कोप आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर एक ट्यूब मिलती है। जब हम माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम देखेंगे कि वो ट्यूब कौन सी है। तो अभी ऐसे मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो ऑक्यूलर लेंस है उन दोनों को कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब होती है, तो उस ट्यूब की लेंथ को बोला गया है यहां पर एल, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब देखिए एफ ई क्या होता है, तो यहां पर एफ ई का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यानी कि जो आप ऑक्यूलर लेंस यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ क्या है। तो अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देने वाली हूं, और जो सबसे पहले ये क्वेश्चन करके बताएगा मैं मान लूंगी कि वो बहुत जीनियस है। तो चलिए मैं आपको वैल्यूज देती हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वो वैल्यूज क्वेश्चन में पुट करनी है और फटाफट आंसर करके मुझे बताना है कि वो क्या है। तो सबसे पहले देखिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन तो आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि जो माइक्रोस्कोप आप यूज कर रहे हैं उसकी ट्यूब लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो एफ जीरो है यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस वो है 1 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो एफ ई है यानी कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो फटाफट से बताइए कि इस तरह के माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन अपने आप को सबसे बड़ा जीनियस प्रूफ करता है, मैं देखती हूँ। चलिए बताइए कौन है जीनियस, कुछ नहीं करना है, बस देखिए ध्यान से देखिए, सही वैल्यू पुट करिए और फटाफट मुझे बताइए कि मैग्निफिकेशन क्या होगा टोटल इस लेंस का। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। आपको डी की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर, आपको फोकल लेंथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर, आपको जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और आपको माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब लेंथ है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, डी की वैल्यू है 25 अपॉन, ओके आंसर आया है एक। चलिए जल्दी जल्दी सब बताइए, वेरी गुड, अरे क्या बात है, आप बहुत जीनियस है रिज, क्या बात है। 25 सेंटीमीटर आपने यहाँ डी की वैल्यू पुट करी, एफ जीरो की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर अपॉन, अब यहां पर आई पीस की जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू पुट करनी है, दैट इज
5 सेंटीमीटर कुछ नहीं करना है, बेसिक मैथ्स का यूज करना है, और यहाँ पर जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वो आ जाएगा 75। ओके, यानी कि वो जो माइक्रोस्कोप है वो जो भी सैंपल आप देखेंगे उसको 75 टाइम्स एनलार्ज करके दिखाएगा, है ना। अच्छी बात। तो इस तरह से आप, अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि कौन सा माइक्रोस्कोप जो है वो बेस्ट मैग्निफिकेशन पावर एफिशिएंसी का है। इसके अलावा कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है, आपको मैग्निफिकेशन पावर दे रखा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ये सारा प्रोसेस जो बेसिक मैथमेटिक्स का है जो हम लोग फिफ्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वही करना है आपको। तो इस तरह से आप इस एक फॉर्मूला को यूज करके बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ट्यूब लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहाँ पर फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अच्छे से ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम का फॉर्मूला है ये। ठीक है, चलिए। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छे आंसर किए हैं और बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आंसर किए हैं सब लोगों ने, एक ने भी गलत आंसर नहीं किया है। चलो, वेरी गुड। अभी मैग्निफिकेशन के बाद चलते हैं माइक्रोस्कोप की दूसरा प्रिंसिपल यानी कि दूसरी पावर के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर एक टर्म आता है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का क्या मतलब होता है, इसको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अभी इसके बाद आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर होने वाला है। देखिए, मान लीजिए आपके पास 3 माइक्रोस्कोप हैं, माइक्रोस्कोप ए, माइक्रोस्कोप बी एंड माइक्रोस्कोप सी। तो देखिए, माइक्रोस्कोप ए क्या कर रहा है, कोई 2 पॉइंट्स हैं, ये ब्लू कलर के 2 पॉइंट्स, वो 2 पॉइंट्स किसी एक डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर हैं, तो वो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप ए इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस को क्लियरली आपको बता पा रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं और वो कुछ डिस्टेंस पर हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कि माइक्रोस्कोप बी, देखिए माइक्रोस्कोप बी में ये पॉइंट्स इतना अच्छे से उन पॉइंट्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, या इतना अच्छे से नहीं बता पा रहा है कि ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। अभी माइक्रोस्कोप सी को देखिए, माइक्रोस्कोप सी जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को एक ही पॉइंट बता रहा है। तो इस चीज से हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोप ए है उसकी रिजॉल्विंग पावर इन तीनों में से सबसे अच्छी रिजॉल्विंग पावर है। यानी कि रिजॉल्विंग पावर किसी माइक्रोस्कोप की वो पावर होती है जो कि 2 पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को क्लियरली बता दे। हाँ, ओके, हाँ बिल्कुल, सेल बायोलॉजी यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं हम, और मुझे लगता है आपने आज फर्स्ट टाइम चैनल को ज्वाइन किया है, तो आपको सारे जो अब तक के लेक्चर्स हैं आपको बीएससी के आईफास बीएससी चैनल पे मिल जाएंगे। तो अभी तक के अगर आपके कोई लेक्चर्स मिस हुए हैं तो आप उन लेक्चर्स को देखिए, अच्छे से पढ़िए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछिए। और आपको जितने भी लेक्चर्स हैं अभी तक कंप्लीट सारे लेक्चर्स हैं, आपको सारे मिल जाएंगे। आपको करना क्या है कि आपको सारे लेक्चर्स को लाइक करना है, ताकि वो लेक्चर्स जो हैं आपके पास सेव्ड रह जाएं लाइक्ड वीडियोस में, ताकि आपको बार बार उन लेक्चर्स को ढूंढना ना पड़े। तो अभी हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं, रिजॉल्विंग पावर की हम बात कर रहे थे। तो माइक्रोस्कोप की वो पावर जो कि 2 डॉट्स को, 2 पॉइंट्स को क्लियरली डिफरेंशिएट कर दे कि ये आपस में कितनी डिस्टेंस पर हैं, या आपस में डिस्टेंस पर हैं, या पर्टिकुलर एक ही ये पॉइंट है, इस पावर को माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। अभी देखिए, रिजॉल्विंग पावर से एक टर्म रिलेटेड है जिसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अभी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब भी हम समझ लेते हैं। जब कोई माइक्रोस्कोप 2 पॉइंट्स के डिफरेंस को कितनी लिमिट तक बता सकता है, यानी कि आप देखिए कोई एक माइक्रोस्कोप है जो कि इन 2 पॉइंट्स को इतने, जिनके बीच में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, यानी कि बहुत माइन्यूट गैप है, उसको भी क्लियरली बता रहा है, यानी कि इसमें लिमिट कम है रिजोल्यूशन की, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की जो लिमिट है वो कम है। यानी कि इस केस ए में लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है, जिसको कि हम डी से शो करते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यहां पर कम है।
जब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होती है तो हम कह सकते हैं कि उसकी रिजोल्विंग पावर बेटर है, क्योंकि वो बहुत ही पास वाले पॉइंट्स को भी बहुत क्लियरली बता पा रहा है। लेकिन कोई एक माइक्रोस्कोप ऐसा है जिसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा है, मान लीजिए कि वो इतने पॉइंट्स को, दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इतनी डिस्टेंस पे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई दो पॉइंट्स आपने लिए हैं, इनके बीच में मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही लिख दिया कि ये 15 सेंटीमीटर है। दो पॉइंट्स हैं, 15 भी नहीं, 15 तो बहुत ज्यादा हो जाती है, माइक्रोस्कोपी में हम बहुत छोटी वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 0.5। मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो अब 0.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के बाद अगर ये पॉइंट्स पास में आने लगते हैं तो अब वो माइक्रोस्कोप उन पॉइंट्स को एक ही बताएगा, यानी कि उसकी रिजॉल्विंग पावर इतनी अच्छी नहीं है कि 0.5 के बाद जब वो पॉइंट्स क्लोज आएंगे तो वो उनको क्लियर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, यहां पर ये माइक्रोस्कोप इसको क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहा है एक लिमिट तक। अभी जब उस लिमिट के अंदर पॉइंट्स को पास लाएंगे तो वो इस तरह से उन दो पॉइंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि जब थोड़ा और वो पॉइंट्स क्लोज हो जाएं तब वो उसको एक ही पॉइंट शो करेगा, तो इसको बोलेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के लिए जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होना चाहिए वो लेस होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि जब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम है तो इसका मतलब वो बहुत पास वाले पॉइंट्स को भी क्लियरली डिफरेंशिएट करेगा। तो यहाँ पर, और ये जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, आप अगर ये रिजॉल्विंग पावर वाला टर्म आपको और भी अच्छे से क्लियर करना है तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपी वाला जो लेक्चर है उसको देखिए, उसमें इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी है। चलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वो फॉर्मूला है डी इज इक्वल्स टू 0.61 लैम्डा अपॉन एन इंटू साइन अल्फा। ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के लिए फॉर्मूला है, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हम चाहते हैं कि वो कम हो, लिमिट कम हो, कम लिमिट वाले पॉइंट्स को भी माइक्रोस्कोप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाए। तो ऐसा कब होगा इस फॉर्मूला से देख के आप बता सकते हैं। देखिए, अगर आप लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को कम करना चाहते हैं तो आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर आपको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम मिलने वाला है। यानी कि जब आप ये डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पर जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो कम हो जाएगा, इसके साथ साथ रिजोल्विंग पावर बढ़ जाएगी। तो वी कैन से लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजोल्विंग पावर। चलिए कमेंट्स देख लेते हैं एक बार। मैम, आई कंप्लीटेड दीज लेक्चर्स फ्रॉम द चैनल, थैंक यू मैम। ओके, वेरी गुड, गुड इवनिंग उषा, हेलो उषा। बिल्कुल रिट्स, आप क्या बोल रहे हैं, ज्यादा होगा रिट्स? मुझे आपने जो बोला है आप इसको थोड़ा सा क्लियर बोलिए, मैं आपने क्या लिखा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एन ज्यादा होगा, बिल्कुल एन ज्यादा होगा यहाँ पर। जब हम यही बात कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, यानी कि एन की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करेंगे, एन को बढ़ाएंगे और साइन अल्फा को जब हम बढ़ाएंगे तब हम बोलेंगे कि डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होगी, जिसके कारण लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जैसे ही कम होगा, यानी कि अब वो कम लिमिट के डिफरेंस पे भी कम, जब दो पॉइंट्स में बहुत कम लिमिट है डिफरेंस, बहुत कम लिमिट के पॉइंट्स को भी वो आसानी से क्लियर डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई रिजॉल्विंग पावर की। अभी हम आगे चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स की तरफ, के वो किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जब आप किसी भी सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे ऊपर जो लेंस मिलता है उसको बोलते हैं ऑक्यूलर लेंस या आईपीस। ये इस जगह पर बिल्कुल ऊपर यहाँ पर एक लेंस मिलेगा,
जो कि हमारे सैंपल को मैग्निफाई करके बताने वाला है। अब यहाँ पर ऑक्यूलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पर ये तीन ऑब्जेक्टिव लेंसेज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऑक्यूलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस को कनेक्ट करने वाली यहाँ पर एक लॉन्ग ट्यूब प्रेजेंट है, जिसको बॉडी ट्यूब बोला है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक रिवॉल्विंग नोज पीस है, ये देखिए रिवॉल्विंग नोज पीस। अब ये रिवॉल्विंग नोज पीस का क्या फंक्शन होता है? ओके सॉरी एवरीवन फॉर द टेक्निकल इशू, अभी यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो गया था। चलिए हम वापस अभी स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे कंपाउंड माइक्रोस्कोपी के पार्ट्स की, अभी हम पहुँचे हैं रिवॉल्विंग नोज पीस की तरफ। तो रिवॉल्विंग नोज पीस आप देखिए यहाँ पर इस तरह से कोई एक रिवॉल्व करने वाला नोज पीस यहाँ पर लगा है, जिसपे कि लेंसेज होते हैं। आपने माइक्रोस्कोप देखा है,
अगर आपने माइक्रोस्कोप देखा हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर माइक्रोस्कोप में कुछ रिवॉल्व कर्निस लगा होता है, जिसको आप रिवॉल्व करके माइक्रोस्कोप पे जो लेंस लगा हुआ है, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग मैग्निफिकेशन वाले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंसेज प्रेजेंट हैं, तो आपको सैंपल के अकॉर्डिंग उसको कितना मैग्निफाई करना है या उसको क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए अलग अलग लेंसेज का यूज करना होगा, और लेंसेज का यूज करने के लिए आप उसको रिवॉल्विंग नोज पीस की हेल्प से उसको रिवॉल्व करेंगे, उसको घुमाएंगे, और वहां पर आप जो जिस भी मैग्निफिकेशन पावर वाला लेंस यूज करना चाहते हैं आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग सौम्या। ओके चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है जिसको आर्म बोला गया है। अब आर्म क्या है, यहाँ पर देखिए आर्म इसका स्ट्रक्चरल पार्ट है, इसको यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ में जो लेंसेज लगे हुए हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं और ऑक्यूलर लेंस हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने का, या इसको आर्म जो है ये पूरा बेस के साथ लेंसेज को कनेक्ट करने का काम भी कर रही है। अभी देखिए यहाँ पर एक स्टेज प्रेजेंट है, ये स्टेज आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से जो स्टेज आपको दिख रहा है, इस स्टेज पर जब भी आपको कोई स्लाइड रखनी होती है या सैंपल रखना होता है तो आप इसको स्टेज पर पुट करेंगे, और यहाँ पर देखिए स्टेज पर रखने के बाद जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होंगे उनके थ्रू उसका मैग्निफिकेशन होगा। अब जब हम हमारी उसको स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो स्लाइड को ऑब्जर्व करते टाइम यहाँ पर स्लाइड अपने प्लेस से हिले डुले ना, उसको एक ही जगह पर प्लेस करने के लिए, उसको एक ही पोजीशन में फिक्स रखने के लिए यहाँ पर स्टेज के पास क्लिप्स प्रेजेंट हैं, ताकि वो स्लाइड को होल्ड करके रखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो स्टेज है उसके जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर है जिसको बोला है डायफ्राम, डायफ्राम प्रेजेंट है। अभी डायफ्राम का क्या फंक्शन होता है कि डायफ्राम जो होते हैं यहाँ पर लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करेंगे, यानी कि जो सोर्स है लाइट का, यहाँ पर हम जैसे कि एलईडी बल्ब को यूज करते हैं, वो लाइट का सोर्स उस पर कितना ऑब्जेक्ट पे कितना लाइट का अमाउंट यूज करना है, या अगर ब्राइटनेस ज्यादा हो रहा है तो ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, जो भी करना है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट है, जो कि लाइट को कंट्रोल करेगा, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर नीचे देखिए लाइट का सोर्स भी लगा हुआ है, जनरली एलईडी बल्ब को लाइट के सोर्स के तौर पर यूज करते हैं। ओके हुसैन शाह गुड इवनिंग, अरे आप बहुत लेट आए हुसैन, कहाँ थे इतनी देर तक, क्लास 6 बजे से स्टार्ट हो गई है, कल भी आपकी 6 o'clock क्लास होने वाली है, कल हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं, तो कल ऑन टाइम आना है आपको, ठीक है। और सब लोगों को, आपको जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जितना आपके जूनियर सीनियर जिनको आप ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, कल हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को स्टडी करने वाले हैं, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो ऑन टाइम आना है कल आपको, ठीक है। अभी देखिए अभी हम जो माइक्रोस्कोप है उसके पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोर्स एडजस्टमेंट नोब मिलती है, यानी कि एक इस तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिससे कि आप एडजस्ट करते हैं, यानी कि आपने कभी माइक्रोस्कोप यूज किया हो तो जब सैंपल को हम ऑब्जर्व करते हैं तो सैंपल की शार्पनेस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हम नोब्स को रोटेट करते हैं, ताकि जो हमारा सैंपल है हमको बेटर तरीके से शार्पनेस उसकी बहुत अच्छे से मिले, उसको जितना भी कॉन्ट्रास्ट है उसका वो बिल्कुल ठीक तरह से हम देख पाए, तो उसके लिए यहाँ पर कोर्स एडजस्टमेंट नोब एंड फाइन एडजस्टमेंट नोब देखने को मिलती है। अभी देखिए लास्ट इसका जो पार्ट है वो है बेस पार्ट, तो जो बेस है, बेस जो है वो इसको बेस नीचे से स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, पूरे जो माइक्रोस्कोप है उसके बेस की तरह अगर उसको आपको कहीं रखना है तो बेस उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो इट्स जस्ट अ मैकेनिकल पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। चलिए अब हम इन माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं।
चलिए तो बात करते हैं मैकेनिकल पार्ट्स की। सबसे पहले मैकेनिकल पार्ट्स में हमने कहा कि स्टेज जो होता है वो स्लाइड को प्लेस करने के लिए काम आता है, यानी कि जहां हम स्लाइड रखेंगे स्टेज पर रखेंगे ताकि हम हमारा जो हमने स्मीयर बनाया है या जो भी ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हम उसको स्टेज पर प्लेस करते हैं। अभी स्लाइड की पोजीशन को फिक्स करने के लिए वहां पर क्लिप्स प्रेजेंट होंगे ताकि स्लाइड जो है अपने प्लेस पर फिक्स रहे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्टेज एंड स्टेज क्लिप्स की। अभी देखते हैं ट्यूब क्या होता है। तो ट्यूब पार्ट जो हमने बात करी थी, जो कि ऑक्यूलर लेंस को, ये ऑक्यूलर लेंस है और ऑब्जेक्टिव लेंस को, ऑक्यूलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो हैं हमारे उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ट्यूब आती है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑक्यूलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो हैं इनको कनेक्ट करने के लिए ट्यूब प्रेजेंट है। ओके सो आगे देखते हैं, ट्यूब जो है ऑक्यूलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस को कनेक्ट करेगी। अब ट्यूब के बाद हमने बात करी थी नोज पीस की, यानी कि रिवॉल्विंग नोज पीस की। अगर हमें माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर को चेंज करना है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन को चेंज करना है, यानी कि आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप के अंदर 10x, 45x, 100x ये जो लेंसेज होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमको उसकी मैग्निफिकेशन पावर को चेंज करना है, तो यहाँ पर रिवॉल्विंग नोज पीस होता है जो कि कंटेन लेंसेज एंड रोटेट ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपको रोटेट करना है हमारे साथ, बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखाएगा, और जब ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है तो वो क्लियरली विजुअलाइज नहीं हो पाता है। इसी तरह से अगर ब्राइटनेस बहुत कम है तो आपको अगेन सैंपल को विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल अमाउंट में लाइट देने के लिए यहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट है, जो कि जिसके अकॉर्डिंग आप लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आर्म जो होती है वो बेस को और लेंसेस को कनेक्ट करती है। अभी यहाँ पर आपने देखा होगा, आपने कभी माइक्रोस्कोप लिफ्ट किए होंगे, तो जब हम माइक्रोस्कोप को लिफ्ट करते हैं तो हमारा एक हाथ जो होता है माइक्रोस्कोप के बेस पर होता है और दूसरा हाथ हम जो आर्म होती है माइक्रोस्कोप की उसको वहां से पकड़ के लिफ्ट करते हैं। तो यानी कि जो आर्म होती है वो कनेक्ट करने के अलावा उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करा रही है। अभी देखिए एडजस्टमेंट, कोर्स एडजस्टमेंट की बात करते हैं। जब भी आप माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो माइक्रोस्कोप की शार्पनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, या जो भी सैंपल की रिक्वायरमेंट है शार्पनेस की उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ नोब्स होती हैं, जिनको जब आप रोटेट करेंगे तो उससे सैंपल की जो शार्पनेस है वो भी चेंज होगी। तो यहाँ पर जो कोर्स एडजस्टमेंट होता है वो क्या करता है कि जो ट्यूब है जो कि लेंसेस को कनेक्ट कर रही है वो ट्यूब को ऊपर नीचे रोटेट करता है, जिसके अकॉर्डिंग शार्पनेस जो है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कोर्स एडजस्टमेंट होता है वो ट्यूब को रोटेट करने के लिए होता है, या ट्यूब को मूव करने के लिए होता है। मूव ट्यूब टू एडजस्ट
शार्पनेस. अभी फाइन एडजस्टमेंट क्या होता है? जो कोर्स एडजस्टमेंट होता है उसको जब हम रोटेट करते हैं तो वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है, लेकिन हमें एक बहुत ही शार्प और एक बहुत ही फाइन, हमें अगर उसकी शार्पनेस चाहिए सैंपल की, तो उसके लिए हमें ट्यूब को या फिर हमारा जो एडजस्टमेंट नोब है उसको बहुत धीरे धीरे रोटेट करना पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे उसको रोटेट करना पड़ेगा ताकि जो शार्पनेस है पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आके रुक जाए, ताकि हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर पाए. तो बिल्कुल फाइन शार्पनेस के लिए हम यहां पर फाइन एडजस्टमेंट नोब का यूज करेंगे. अभी देखिए फुट या बेस, हमने बात करी थी कि ये बिल्कुल लास्ट में पूरे माइक्रोस्कोप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, ये स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, ये बिल्कुल उसका माइक्रोस्कोप को अगर आपको होल्ड करना है, माइक्रोस्कोप को आपको किसी प्लेस पर रखना है, तो आपको वो बेस जो पार्ट होता है उसके थ्रू आप माइक्रोस्कोप को एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए नीचे यहाँ पर एक बेस प्रेजेंट होगा. अभी ये तो बात हो गई माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट्स की, अभी देखते हैं कि मैकेनिकल पार्ट्स ये थे, अभी ऑप्टिकल पार्ट्स कौन कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि सैंपल को विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं. तो उससे पहले हम कमेंट्स चेक करते हैं. ओके ओके, हुसैन शाह बोल रहे हैं कि क्लासेस का पता नहीं था. ओके जैसे ही, बिल्कुल सही, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जैसे ही अगर कोई सडन क्लास भी होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. वैसे कल वाली जो क्लास होने वाली है 6:00 ही होने वाली है इवनिंग में, तो आप बिल्कुल टाइम से आइए. सेल साइकिल, ओके सेल साइकिल पे भी हम पहुंचेंगे, अभी तो हम बस माइक्रोस्कोपी, इसकी सेल बायोलॉजी की कुछ टेक्निक्स है वो देख रहे हैं, उसके बाद हम बिल्कुल सेल बायोलॉजी को अच्छे से डिटेल में देखेंगे और सेल साइकिल तक भी हम पहुंचेंगे. उसके लेक्चर्स तक का आपको वेट करना पड़ेगा, उससे पहले सेल के बारे में और भी चीजें जाननी पड़ेगी, तो आप सारे लेक्चर्स देखिए, सेल साइकिल भी हम लोग पढ़ेंगे. तो अभी यहाँ पर बात करते हैं ऑप्टिकल पार्ट्स की, जो कि एक्चुअली सैंपल को विजुअलाइज कराने में हेल्प करने वाले. तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्यूलर लेंस की. तो ऑक्यूलर लेंस जो होता है वो आई के पास में प्रेजेंट होता है, और इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है ये ऑब्जेक्टिव लेंस से थोड़ी कम होती है, यानी कि हो सकता है ये 10x मैग्निफिकेशन पावर का हो या 15x मैग्निफिकेशन पावर का हो. और ऑब्जेक्टिव लेंस की जब हम बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के पास में प्रेजेंट होगा. अभी यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन पावर है वो ऑक्यूलर लेंस से ज्यादा होने वाली है, यानी कि आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप में अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, और वो हो सकते हैं कि 10x पावर का हो, या फिर हो सकता है कि वो 45x का हो, या फिर हो सकता है कि वो 100x मैग्निफिकेशन पावर का हो. तो इस तरह से अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर के यहाँ पर लेंसेज मिलने वाले हैं. तो देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि किसी माइक्रोस्कोप के बारे में आपको दिया है कि एक माइक्रोस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर है 10x एंड आई पीस की या फिर ऑक्यूलर लेंस की मैग्निफिकेशन पावर है 10x, और आपको बताना है कि कंप्लीट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, तो टोटल मैग्निफिकेशन पावर इस केस में हो जाएगी 10 × 10, यानी कि 100x. वो जो माइक्रोस्कोप है वो 100 times एनलार्ज करके दिखाएगा. तो इस तरह से भी आपको मैग्निफिकेशन पावर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर दे दी, आपको ऑक्यूलर लेंस की मैग्निफिकेशन पावर दे दी, अब आपको कहा गया कि आप इस माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन पावर निकालिए. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टोटल मैग्निफिकेशन पावर निकाल सकते हैं. अभी बात करते हैं कंडेंसर की. तो कंडेंसर क्या होते हैं? कंडेंसर जो होते हैं हमारे लाइट सोर्स को, लाइट रेस को एक जगह कंडेंस करवाने का काम करेंगे. यानी कि देखिए यहाँ पर नीचे एक लाइट सोर्स लगा है, इस तरह से कोई एक लाइट सोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है.
अभी ये जो लाइट सोर्स है इससे कुछ लाइट की रेज निकल रही होंगी, यहाँ से कुछ लाइट की रेज निकल रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन आपको इसको अपने ऑब्जेक्ट पर फोकस करवाना है, यानी कि लाइट जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्ट को मिले। तो यहाँ पर उसके लिए कंडेंसर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से कुछ कंडेंसर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कंडेंसर क्या करेंगे, लाइट रेस को एक जगह फोकस कराने में हेल्प करेंगे। इस तरह से जो सैंपल है यहाँ पर ऊपर सैंपल मिलने वाला है और उन लाइट रेस को एक जगह फोकस करवाने का काम कंडेंसर करेंगे। फोकस लाइट ऑन सैंपल, वो कंडेंसर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। अगर सैंपल को प्रॉपर लाइट ही नहीं मिल रही है तो आप इमेज कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे या फिर आप कैसे देख पाओगे किसी भी सैंपल को। तो यहाँ पर कंडेंसर जो है वो लाइट को एक जगह फोकस करवाएंगे। ठीक है, गुड इवनिंग शिवांगी मैम। मल्टीप्लिकेशन, आप क्या कहना चाह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन से, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा इसको बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्किंग की तरफ चलते हैं इसकी, कि किस तरह से इसका बेसिक वर्किंग कैसे होती है, किस तरह से आप बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट को, बहुत छोटे छोटे सैंपल को, बैक्टीरिया, आपने कोई स्मीयर बनाया है, आपको बैक्टीरियल सेल ऑब्जर्व करनी है, आप किस तरह से उसको एनलार्ज करके देख पाते हो, या फिर जो भी माइटोसिस मियोसिस के प्रोसेस में हो रहा है, जो भी स्टेजेस आप सेल साइकिल की स्टडी कर रहे हैं, तो उन स्टेजेस को किस तरह से आप ऑब्जर्व कर पाते हैं। बहुत ही छोटी छोटी सेल्स होती हैं, उनको किस तरह से मैग्निफाइड वे में आप ऑब्जर्व कर पाते हैं ये देखते हैं हमी। अभी यहाँ पर देखिए, आप देखिए कि यहाँ पर एक सैंपल रखा है, एक सैंपल, एक ऑब्जेक्ट रखा है किसी इस पॉइंट पर। अभी ये ऑब्जेक्ट से जब हम पीछे इल्यूमिनेटर लगाते हैं, यानी कि लाइट सोर्स लगाते हैं, तो यहां से कुछ लाइट रेज होंगी जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस पर गिरेंगी, और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, और ये आज पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत टाइम बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शायद ये टेक्निकल इशू बहुत आ रहा है आज, पढ़ने नहीं दे रहा है यार। चलिए, तो यहां पर देखिए, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब उससे लाइट रेज ऑब्जेक्टिव लेंस पर गिरेंगी तो वो लाइट रेज को एक जगह फोकस कर देगा या एक जगह उसकी इमेज बना देगा। तो किसी इस पॉइंट पर यहाँ पर आपको एक इमेज देखने के लिए मिल रही है। देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस ने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा था, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, उसकी एक इमेज बना दी यहाँ पर किसी इस पॉइंट पर। अब वो जो इमेज है वो आगे वाले लेंस के लिए, यानी कि ऑक्यूलर लेंस के लिए, अगेन एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस पॉइंट पर ये जो ऑक्यूलर लेंस है इसके लिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम करेंगी। तो ऑक्यूलर लेंस क्या करेगा, अगेन इसको एक ऑब्जेक्ट मानकर इसकी एक इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक दूर वाले पॉइंट पर ये जो ऑक्यूलर लेंस है, इस पॉइंट पर ये इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, यहां पर ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से एक इमेज को मैग्निफाइड वे में, आप देखिए एक्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी और अभी जो ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑक्यूलर लेंस जो इमेज बना रहा है उसकी पोजीशन क्या है, तो इन दोनों की पोजीशन में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मैग्निफिकेशन हुआ है, कितनी पोजीशन चेंज हुई है यहाँ पर। कहाँ एक्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ था लेकिन उसकी इमेज किस जगह बन रही है। तो आप जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो भी आपने सैंपल लिया है वो बहुत ही मैग्निफाइड वे में दिख रहा है। तो यहां पर जो सैंपल है वो मैग्निफाइड होके हमको इस पॉइंट पर नजर आ रहा है। तो इस तरह से ये वर्किंग की बात हो गई कि किस तरह से जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो काम करता है। अभी आगे देखते हैं,
देखिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि किस तरह से कहाँ कहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आप यूज कर सकते हैं. जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो सिंपल माइक्रोस्कोप से कॉस्टली होते हैं, इतना ज्यादा भी कॉस्ट नहीं, इफेक्टिव नहीं होते हैं ये, बट ये थोड़े कॉस्टली होते हैं. तो कॉलेजेस में आपको ये देखने को मिल सकते हैं, आपको आपने कभी देखा होगा आपके कॉलेज में या फिर आपके स्कूल्स में भी हो सकता है कि बच्चों को बेटर आपको एक्सपीरियंस करवाने के लिए स्कूल और कॉलेजेस में यहाँ पर इस तरह के कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिल सकते हैं. इसके अलावा पैथोलॉजी लैब्स में इनका यूज होता है, यानी कि अगर जो डिजीज के लिए अगर आपको किसी सेल के ऊपर पर्टिकुलर किसी पैरासाइट ने अटैक किया है, जैसे कि मलेरिया का पैरासाइट जो कि आरबीसी पर अटैक करता है, तो अभी मलेरिया के पैरासाइट की स्टडी करने के लिए या क्या मलेरिया का पैरासाइट किस तरह से इन्फेक्ट कर रहा है या सेल को स्टडी करने के लिए यहाँ पर पैथोलॉजी लैब्स में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज होगा. फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो सॉइल पार्टिकल की साइज होती है, सॉइल पार्टिकल की जो साइज होती है वो बहुत मैटर करती है सॉइल की फर्टिलिटी को जानने के लिए या फिर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को जानने के लिए. आप जानते हैं कि जो सॉइल होती है जितना स्मॉल पार्टिकल होगा उतना ज्यादा वो वाटर होल्ड कर सकता है, और अगर बड़ा पार्टिकल होगा तो वो वाटर होल्ड नहीं कर सकता है. तो यहाँ पर आप माइक्रोस्कोपी का यूज करके सॉइल के पार्टिकल की साइज जान सकते हैं. और ऐसे प्लांट्स जो कि जिनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आप उन प्लांट्स के लिए उस तरह के सॉइल पार्टिकल या उस तरह की सॉइल उनको इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं. फिर आप देख सकते हैं कि आपको जो नेक्ड आई से ऐसे बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो हम नहीं देख पाते हैं इजीली, तो उनकी स्टडी के लिए ताकि आपको अच्छा अच्छा नॉलेज मिल पाए कि किस तरह से कोई बैक्टीरिया है वो किसी को किसी डिजीज कॉज कर रहा है या वायरस के एक्शन कैसे होते हैं, वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है. अगर आपको बैक्टीरिया को किल करना है तो आपको उसकी सेल वॉल को स्टडी करना होगा. तो इन सारी चीजों को, इन माइक्रोब्स को स्टडी करना है अगर अच्छे से डिटेल में, तो यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोपी का यूज होता है. ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिग्निफिकेंस की. अभी होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा. अगर आपको माइक्रोस्कोपी की टर्मिनोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम है तो अगेन मैं बोल रही हूँ आप इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपी वाला लेक्चर देखिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, मैग्निफिकेशन है, रिजॉल्विंग पावर है, इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो आप उसको वहां से पढ़िए. कोई डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए डाउट, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगी और नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी. तो और हाँ, कल वाली क्लास जो है वो इवनिंग में 6 o'clock होने वाली है. हम कल के लेक्चर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखेंगे. सो रेडी रहिए, 6 बजे कल मिलते हैं. एंड ये वाला इन्फॉर्मेशन आप अपने सारे फ्रेंड्स को बताइए कि कल लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का, तो आप सबको ज्वाइन करना है. जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे हम लोग साथ में स्टडी करेंगे, आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप आंसर करते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर जो भी हैं इससे रिलेटेड डाउट हैं वो सॉल्व करिए. थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू. चलिए तो कल मिलते हैं हम लोग. और जितने भी वीडियोस हैं आप उनको लाइक करिए, लाइक करके रखेंगे तो आपके पास वो लाइक वीडियोस में सारे अवेलेबल रहेंगे. तो आपको एनी टाइम जब भी आपको स्टडी करना है या आपको इतना ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, तो आराम से आपको सारे लाइक वीडियोस में सारे लेक्चर मिल जाएंगे. तो और जल्दी से जल्दी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि इस चैनल पे, बीएससी के चैनल पे, आईफास के चैनल पे यहाँ पर आपको लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, आप साथ में इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. लाइव लेक्चर का लेने का पर्पज़ ही यही होता है कि हम आपके साथ इंटरेक्ट कर पाएँ. तो हम चाहते हैं तो हम लोग आपको ऐसे भी लेक्चर्स दे सकते हैं, लेकिन लाइव में क्या होता है कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस टाइम आपका डाउट साथ में ही क्लियर होता है. तो आप अपने फ्रेंड्स को बताइए लाइव लेक्चर्स के बारे में, और कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे यहाँ पर मिलने चाहिए. 6 बजे रेडी रहिएगा. थैंक यू वेरी मच ऑल. बिल्कुल, सेल बायोलॉजी एक्चुअली
हुसैन, ये जो सेल बायोलॉजी का जो लेक्चर्स में ले रही हूँ उसी में सेल बायोलॉजी की जो टेक्निक्स है, सेल बायोलॉजी का टेक्निक्स वाला जो पार्ट है उसी के अंदर माइक्रोस्कोपी भी है। तो ये लेक्चर जो है वो सेल बायोलॉजी के ही चल रहे हैं और आपको सेल बायोलॉजी से टेक्निक्स वाले पार्ट से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एंटायर सेल बायोलॉजी को कवर करने के लिए मैंने ये टेक्निक्स वाला सेक्शन भी लिया है। हम सेल बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा सब्र रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल। चलिए मिलते हैं कल।